नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का अनावरण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, राजकोट में अब्रन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने जा रहे हैं पीएम मोदी। और इसके साथ ही केवड़िया में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि केवड़िया में पर्यावरण बचाने के लिए मिशन लाइफ की लॉन्चिंग करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं और पीएम मोदी आज और कल अक्टूबर को गुजरात में रहेंगे। और इस दौरान वे गुजरात में ही करीब 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं पीएम दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री अडाज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस के शुभारंभ भी करेंगे। और अगर बात कर ले दोपहर की, तो दोपहर करीब 3:15 पर वो जूनागढ़ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद शाम को करीब 6 बजे वो इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे और राजकोट में कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अगर शाम की बात की जाए तो शाम करीब 7:20 पर प्रधानमंत्री राजकोट में नई निर्माण कार्य प्रणालियों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम के इस दौरे के बाद राज्य में ही विधानसभा चुनाव के ऐलान की संभावना है और ऐसे में पीएम के इस दौरे को राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है और कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का जो करेंगे। और इसके साथ ही बता दें आपको पीएम मोदी का दौरा गुजरात है 2 दिन का। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से। आपको बता दें कि उत्तराखंड सीएम धाम ही नहीं बद्रीनाथ धाम का जायजा लिया है। बड़ी जानकारी देते उत्तराखंड से खबर आ रही है, जहां पर सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम का जायजा ले लिया है। पीएम के दौरे से पहले ही सीएम धामी ने बद्रीनाथ का जायजा लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 21 अक्टूबर को पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहाँ पर जाने से पहले पीएम के सीएम धामी ने वहां का जायजा ले लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद वहां पुनः निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। उनके दौरे के तहत ही बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचे और यहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है और समीक्षा करेंगे। उन्होंने धाम, आपको बता दें कि धाम में ही पूजा अर्चना भी की है और 21 अक्टूबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ रोपवे परियोजना आधारशिला रखेंगे, जबकि बद्रीनाथ में दर्शन के बाद देश के अंतिम गाँव माड़ा में ही सीमांत क्षेत्रों के विकास को शुरू की गई वाइब्रेट विलेज योजना के अंतर्गत सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर पीएम मोदी से पहले ही सीएम धामी ने जायजा लिया है तैयारियों का। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड जाएंगे, जहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, हिमाचल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें हिमाचल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी ने 62 सीट पर ही घोषित किए हैं उम्मीदवार। हिमाचल चुनाव की बात कर रहे हैं, जहां पर लिस्ट जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से ही उम्मीदवार हैं और सतपाल सत्ती ऊना से होंगे उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और कांग्रेस ने भी कल जारी की थी उम्मीदवारों की लिस्ट। आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी से पहले ही कल लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चंबा से इंदिरा कपूर बीजेपी उम्मीदवार रहेंगे और इसके साथ ही डलहौजी से ही DS ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार है और शिमला से ही संजय सूद बीजेपी उम्मीदवार है और चुरार से हंसराज बीजेपी उम्मीदवार है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश चुनाव
विधानसभा चुनाव को लेकर ही बीजेपी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में ही कुल 62 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीते मंगलवार को दिल्ली में ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और जिसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की मुहर लगी थी। बीजेपी ने 6 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं किया है और वहीं कांग्रेस ने कल 46 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और शेष बचे 22 उम्मीदवारों को ही लेकर जल्द ही कांग्रेस ऐलान कर सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें हिमाचल से, जहां पर बीजेपी ने भी अब लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है और वहीं पर तैयारियों का जो जायजा है वो भी लगातार जारी है, जिसके बाद कांग्रेस के बाद ही अब बीजेपी ने भी लिस्ट जारी कर दी है। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें कि आज आएंगे कांग्रेस चुनाव के नतीजे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और कांग्रेस चुनाव के नतीजे आज आएंगे। सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है मतगणना। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, कांग्रेस मुख्यालय पर हो रही है वोटों की गिनती। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दोनों उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद रहेंगे और कांग्रेस चुनाव में बैलेट पेपर से हुई थी वोटिंग। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस को आज अपना पूर्णकालिक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और तिरुवनंतपुरम से ही लोकसभा सांसद शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। पार्टी में शीर्ष पद के लिए चुनाव के बाद आज बुधवार को मतगणना होगी और इसी के साथ ही 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के एक पदाधिकारी ने बताया है कि मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, शोपिया से पकड़ा गया आतंकी इमरान बशीर मारा गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर शोपिया से पकड़ा गया आतंकी इमरान बशीर अब मारा गया है। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी इमरान बशीर, बड़ी जानकारी बता दें कि मुठभेड़ में ही मारा गया है आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में एक ग्रेनेड हमले में ही दो मजदूरों की मौत के बाद गिरफ्तार किए गए लश्कर ए तैयबा के एक हाईब्रिड आतंकवादी इमरान मारा गया। आपको बता दें कि बशीर को ही आतंकवादी रोधी अभियान में मार गिराया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आतंकियों को और सुरक्षा बलों के बीच जो है एनकाउंटर शुरू हो गया और जिसमें इमरान मारा गया है। शोपिया एनकाउंटर उस जगह के बेहद करीब है जहां एक कश्मीर पंडित को गोली मार दी गई थी और वहीं कुपवाड़ा में ही सुरक्षा बलों को IED बरामद की मिला है। बड़ी जानकारी आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर मुठभेड़ में इमरान मारा गया है। शोपिया से पकड़ा गया था आतंकी इमरान। बड़ी जानकारी आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकी को मार गिराया गया है। एक और बड़ी खबर बता दें फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद में अचानक भरभराकर गिरा 2 मंजिला मकान। बड़ी जानकारी सामने आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर फिरोजाबाद में अचानक भरभराकर गिर पड़ा 2 मंजिला मकान। महिला की मौत भी बताई जा रही है, 8 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। बड़ी जानकारी बता रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर महिला की मौत हो गई है मकान गिरने के कारण और 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जसराना क्षेत्र के ग्राम नगला नथुआ की घटना बताई जा रही है। मकान गिरने से मलबे में दबी महिला की उपचार के दौरान मौत हुई है। बता दें आपको बड़ी जानकारी, जहां पर SDM और CO समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जानकारी ली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर फिरोजाबाद में अचानक भरभराकर 2 मंजिला इमारत गिर गई और जिसके चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है, वहीं पर 8 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। आगरा से एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, दीपावली पर आतिशबाजी चलाने का समय किया गया है तय। दीपावली नजदीक है और इसको लेकर ही आगरा में दीपावली पर
आतिशबाजी चलाने का समय तय कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा आगरा में ही सिर्फ 2 घंटे की पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें आगरा से, जहां पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दीपावली नजदीक है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है, जिसके चलते अब पटाखे जलाने का आगरा में समय निर्धारित कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।